सबसे फर्स्ट हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में कि सबसे फर्स्ट क्लास में कि अगर एक्स स्क्वायर ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 10th में तो आप लोग पढ़े हो, इक्वल टू जीरो रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ट्रिक इक्वेशन। सिर्फ 10th का रिवीजन किया था, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या करें, अगर इसमें कंडीशन क्या होती है कि ए की वैल्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए और ए बी सी जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, सही है। तो जब ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, हम बोल सकते हैं अगर ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो हम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इस तरह से लिख सकते हैं कि ए से डिवाइड करते हैं, ए जीरो नहीं है तो ए से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, तुम लोग साथ में करते चलना, टू बी बाई टू ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए, ऐसा लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। ऐसा क्यों किया सुहानी? सर नहीं पता देखो टू ए बी का फॉर्म बनाने के लिए, है ना, ये देखो सर, ए स्क्वायर है, सर टू तो कट जाएगा ना, पर हाँ तो ठीक है, इसी वजह से तभी तो इसको ए लिख सकते हैं ना, कि कोई फर्क नहीं है, इफेक्टिवली बी बाई ए लिखा, बस दूसरे फॉर्म में लिखा। तो देखो टू ए बी में तुमको टू बाहर चाहिए ना, फिर ए चाहिए और बी चाहिए, दो नंबर चाहिए, और साथ में इसका स्क्वायर यहाँ चाहिए और इसका स्क्वायर यहाँ चाहिए, यही चाहिए होता है ना प्लस में। यस सर, तो देखो इसका स्क्वायर यहाँ पे है और इसका स्क्वायर चाहिए, तो नहीं है तो यहाँ पे बी बाई टू ए का स्क्वायर तो नहीं है, तो हम क्या करते हैं ना, बी बाई टू ए का स्क्वायर अपने आप ऐड कर देते हैं, है ना अमन? सर और ये तो हम फिर पढ़ लिए थे। फर्स्ट क्लास, तो फर्स्ट क्लास तो यही शुरू किया था ना, यस सर, तो फर्स्ट क्लास किया हुआ था ना आपका, यस सर, हाँ तो ठीक है, फर्स्ट क्लास ही सिर्फ हो रहा है यहाँ पे, हाँ हम लीव कर सकते हैं सर। हाँ फर्स्ट क्लास था, जिसका फर्स्ट क्लास, आज क्लास थोड़ी है, फर्स्ट क्लास में जिसका बच गया था बस उसको आना था, ठीक अच्छा है, ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो। तो हाँ सुहानी, यस सर, तो देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, होल स्क्वायर, और प्लस में सी बाई ए था तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस में सी बाई ए आ जाएगा। यस अब सर, देखो क्या होगा, अगर ये तुम लिखते हो ऐसे एक्स प्लस बी बाई टू ए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो रूट निकालना पड़ेगा, तो प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ अंडर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये फोर ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी हो जाएगा क्या, यस सर, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, अगर हम एलसीएम ले लें तो क्या होगा, ये टू ए है, ये कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर, माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना, यह सर फॉर्मूला था हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसको श्रीधराचार्य रूल या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। सर माइनस सी बाई ए, कहाँ सी बाई ए, वो तो प्रोडक्ट होता है ना, सी ओ बाई ए, हाँ ठीक है, अभी देखते हैं। तो इसके दो, ये हम लोग अभी सिर्फ 10th वाला ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके दो रूट बोलते थे हम लोग, क्या होता था अल्फा, और एक रूट क्या बोलते थे हम बीटा, लोग, बीटा। तो अगर इसका मतलब अल्फा, आप किसी को अल्फा किसी को बीटा बोल सकते हो, मतलब क्या है, अल्फा बीटा है, सिमेट्रिक है, किसी को अल्फा और किसी को भी बीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू, ये हो गया, और बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी माइनस अंडर रूट माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू है, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों रूट्स को ऐड कर दें,
ठीक है, तो दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी, माइनस बी बाई ए, हाँ देखो माइनस टू बी हो जाएगा, अब बाई माइनस टू ए हो जाएगा तो माइनस बी। अच्छा तुम आंसर बता दी, नहीं मैं हमको लगा कैलकुलेट कर रही हूँ। देखो ये क्या हो जाएगा, आएगा भाई माइनस बी बाई ए, कैसे आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ, कितना हो जाएगा एलसीएम टू ए हो जाएगा, और देखो ये दोनों जब ऐड होंगे तो ये कट जाएंगे ना, यस हाँ, तो माइनस यहाँ पे ऊपर में क्या आ जाएगा टू बी माइनस टू, तो टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस बी बाई ए। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो देखो मल्टीप्लाई, हाँ तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा फोर ए स्क्वायर। अब देखो ये क्या लिखा है ए प्लस बी, ठीक है ना, और ये से क्या है ए माइनस बी, इस तरह से मान लो, या ये इसको मान लो एक्स और इसको मान लो वाई, तो एक्स प्लस वाई लिखा है और ये क्या लिखा है एक्स माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब माइनस बी का स्क्वायर अब माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का स्क्वायर। समझ पा रही हो सोनी? यस सर। ठीक है अब देखो, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, अब माइनस सी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय फोर ए स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाँ तो फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर, तो फोर से फोर कैंसिल, ए से ये स्क्वायर कैंसिल, सो सी बाई ए, तो सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सी बाई ए ऑफ रूट्स हो जाएगा तुम्हारा सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दोनों निकाल लिया गया, इसको लिखते चलेंगे क्या अल्फा इंटू बीटा। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस ऑफ रूट निकालते हैं, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स, टेंथ में मैंने ये भी पढ़ाया था वैसे तुम लोगों को डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है, तो देखो क्या होगा डिफरेंस ऑफ रूट्स, देखो तो अल्फा डिफरेंस बीटा निकालना है, मतलब अल्फा डिफरेंस बीटा का मतलब क्या हुआ कि हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, ठीक है, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं आ सकता, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो देखो डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस सर लिख सकते हैं, है ना, कि देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इस तरह से लिखा जा सकता है, तो रूट लगा देंगे तो ये आ जाएगा। अब जब ये आ चुका तो फिर हम क्या करें, बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, ठीक है, अब माइनस फोर इंटू सी बाई ए, तो ये हो जाएगा ये रूट में बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस फोर सी बाई ए, सो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो गया, इसको लिखा है ना ये ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर डी बाई मॉड, ठीक है ना, जहां पे डी क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो एज ए फॉर्मूला तुम याद रखोगे क्या कि सम ऑफ रूट पता है तुमको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए, सेम वे में डिफरेंस ऑफ रूट कितना हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का मॉड, क्यों लगाएंगे क्योंकि हमेशा हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा रूट डी, ठीक है, अब बाय मॉड ए, सही है, याद रहेगा फॉर्मूला है सर, हाँ ये फॉर्मूला है, ठीक है, डी तुम आराम से निकाल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल मान लो ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें, अल्फा प्लस बीटा इसमें सर फॉर्मूला से तो निकाल ही सकते ना इसमें डी का फॉर्मूला से, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा हूँ, देखो अल्फा प्लस बीटा सर माइनस फाइव बाई ए वन, मतलब मैंने माइनस फाइव नहीं माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस फाइव 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 फाइव, ठीक है ये सब गलती नहीं करना, ठीक है, अच्छा अल्फा इंटू बीटा
सिक्स बाई वन, सी बाई ए होता है तो सिक्स। अच्छा अल्फा माइनस बीटा, तो उसके लिए डी निकालना पड़ेगा, तो डी कितना है बताओ? डी हो जाएगा, डी का फॉर्मूला कितना होता है? आर डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हाँ रूट नहीं होता है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना, लड़के गलती करते हैं इसमें। तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए, सी की वैल्यू कितनी होगी? सिक्स। सो ये कितना हो जाएगा, पच्चीस माइनस ट्वेंटी फोर चौबीस वन। सही है, तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स लिखी, पढ़ लिए, तीन चीज पढ़ा। अब देखो जो टेंथ में एक और चीज हम लोग पढ़ते थे वो ये था, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ऐसा है। और ए की वैल्यू अगर जीरो नहीं तो इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, कर सकते हैं ऐसा। अब इसको हम इस तरह से लिख दें, एक्स स्क्वायर इसको लिख दें माइनस ऑफ बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस बी बाई ए को अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। यस सर, अल्फा अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट्स है, रूट्स, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, समझे, दैट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम्हारे पास रूट्स गिवन है अल्फा बीटा, देन इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा। तो ये फॉर्मूला था क्लास टेन में। हाँ तो अभी तो जो चल रहा है वो यही क्लास टेन वाला ही तो चल रहा है, पहले ही तो बोल रहा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हो गया, अब आते हैं कुछ खास चीज के ऊपर, अभी तो टेंथ वाले चीज हमारी चल रही थी। अच्छा एक चीज बताओ, सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इसका हो गया। अब देखो एक नोट करके, ठीक है, अगर हम देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दोनों चीज एक साथ दिया हुआ है, दिस एंड दिस, तो इससे तुम क्या आइडिया निकाल सकते हो, ठीक है, सही है। अच्छा एक और चीज दे रहा हूं, इस पे सोचो तुम और इसके बाद इस पे सोचो, यहाँ पे भी a की वैल्यू जीरो नहीं है और a भी सीरियल है, यहाँ पे भी a की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, क्या क्या आइडिया लगा सकते हैं इससे, बोलो सर। सर जीरो उन लोग का रूम इक्वेशन हो सकता है। हाँ देखो अगर x इक्वल टू वन इसमें रख दें तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा? Yes, sir. आएगा ना, तो इसको किसी दूसरे कलर से रखते हैं। हाँ अगर x इक्वल टू जीरो रख देंगे तो ये, सॉरी x इक्वल टू वन रख देंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ठीक है, और ऑलरेडी a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है हमारे पास, जीरो देखे, तो मतलब x इक्वल टू वन पे लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो, राइट हैंड साइड भी जीरो हो गया, yes, sir. हो गया ना, इसका मतलब x इक्वल टू वन क्या हो गया, उसका एक रूट हो गया, यस अब रूट हो रहा है, हाँ हो जाएगा ना। तो बस ये चीज ध्यान रखना है कि अगर, ठीक है,
तो इससे क्या अनुमान लगा सकते हो कि x इक्वल टू वन इज ए रूट। तो अदर रूट कितना हो जाएगा, एक तो हो गया, दो रूट हो गए ना, इसके अदर रूट कितना हो जाएगा? जीरो। कैसे? एक तो वन हो गया, तो दूसरा क्या? दूसरा अल्फा इंटू बीटा तुमको पता है ना, सी है, सी है, सॉरी सी बाई ए, और अल्फा मान लो कि वन है, तो बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई ए। तो एक रूट वन हो जाएगा और दूसरा रूट सी बाई ए हो जाएगा, है ना? कब? जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक है, इसको अभी बाद में देखते हैं, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं कि अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वन इज ए, एक्स इक्वल टू वन इज ए रूट। सो अल्फा कितना हो जाएगा मान लो वन, तो बीटा कितना हो जाएगा? सी बाई ए। या फिर बीटा को इस तरह से भी लिख सकते हो कि माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो बीटा कितना हो जाएगा उस हिसाब से? माइनस बी बाई ए माइनस वन। तो या तो ये बीटा हो सकता होगा या ये होगा, आंसर दोनों का सेम ही आएगा लेकिन ये वैल्यू हो सकता है। सही है, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं रखते हैं, बस इतना जान के रखते हैं कि ये हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, चलो सेकंड सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट नहीं है, एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर मैं पूछूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है और ए की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो और लिखा है फोर ए प्लस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ इन दोनों इक्वेशन से तुम क्या आइडिया लगा सकती हो? सर एक्स का वैल्यू शायद टू हो, नहीं टू नहीं होगा। हाँ देखो, एक्स की वैल्यू टू रखोगे तो क्या आएगा? फोर ए प्लस टू बी प्लस सी। हाँ टू, टू होगा, टू। तो क्या होगा टू? सर उसका वो एक रूट होगा। हाँ, तो क्या इससे क्या आइडिया लगा सकते हो? एक्स इक्वल टू टू इज ए रूट। ठीक है, अच्छा। yes, अगर ऐसे लिखा रहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और ऐसे है आ गया फोर ए माइनस टू बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, अब इन दोनों को देख के तुम क्या आइडिया लगा सकते हो कि ये क्या क्या इंफॉर्मेशन यूजफुल हो सकता है? सर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इज द रूट। हाँ समझ गए ना, एक्स इक्वल्स टू, हाँ तो एक फेज तो समझ गए, एक्स इक्वल टू माइनस टू इज अ। और कोई आया जी सुहानी के अलावा? पता नहीं, देखना पड़ेगा। आया क्या सुहानी कोई? नहीं सर, कोई नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो एक्स इक्वल टू माइनस टू इज अ रूट। अब बताओ नेक्स्ट, अगर ऐसे दे दिया मैं कि ए प्लस टू बी प्लस फोर सी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, और दूसरा वही चीज है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब बताओ इन दोनों से तुम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? देखो हाँ सुनो, हाँ ठीक है, अब देखो अब थोड़ा सा तुमको क्या आइडिया लगाना पड़ेगा, अब सोचना पड़ेगा। देखो देखो, अगर यहाँ सी है और इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ अगर सी है तो यहाँ पे तुम पहले क्या करो, सी बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे सी कैसे बनाओगे? तो फोर से डिवाइड कर दो, हो जाएगा ना। देखो फोर से डिवाइड करो, तो देखो यहाँ यहाँ पे पॉइंट ये है सुहानी। यस सर, देखो पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर सी जो है, सी तो कांस्टेंट है, तो सी जब कांस्टेंट है तो सी के सी में एक्स मल्टीप्लाइड नहीं है ना। नो सर, तो एक्स की वैल्यू जब चेंज होगी तो उस वजह से सी चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना? नहीं सर, नहीं होगा। तो जब सी चेंज नहीं होगा और सी की वैल्यू हमेशा वही रहेगी, तो हम क्या करते हैं ना, सी को दोनों को एक जैसा बना लेते हैं, दोनों जो सी है ना उसको एक जैसा कर लेते हैं। मतलब क्या, यहाँ पे सी है और यहाँ पे फोर सी है, तो क्या करते हैं, फोर से डिवाइड कर देते हैं।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी इक्वेशन में बोथ साइड हम डिवीजन कर सकते हैं। तो ए बाई फोर आ जाएगा प्लस कितना हो गया बी बाई टू प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इन दोनों को ऑब्जर्व करें तो क्या क्या पता चलेगा कि अगर देखो वन बाई टू रखा जाए तो ये चीज आ जाएगा x इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, दिख रहा है समझ? Yes, sir, दिख रहा है, मतलब वैसा दिखने की बात समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. क्या कि x इक्वल टू वन बाई टू रखेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो अब एक दूसरा एग्जांपल। तो यहां से क्या बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू वन बाई टू इज अ रूट। क्लियर सर? हाँ सर, फोर इंटू क्यों नहीं किए सी में? अच्छा फोर इंटू का, फोर इंटू मतलब क्यों नहीं किए? तो देखो उसमें क्या होता है, फोर इंटू कर लेते तो चलो देख लेते क्या होता है। देखो यहाँ पे क्या फोर, तो क्या हो जाएगा फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस फोर बी एक्स प्लस फोर सी, सही है? अब तुम ये इक्वेशन हो गया, और दूसरा फिर कंडीशन क्या आ गया ए प्लस टू बी प्लस फोर सी। ठीक है, तब देखो अब क्या होना चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा 4a की वैल्यू कुछ ऐसी आनी चाहिए, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ पुट करना करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे 2b हो जाए और यहाँ पे x का स्क्वायर करके पुट करे तो a हो जाए। तो इस तरह का कैल्क जो होता है ना, मतलब विजुअलाइज करने में कभी कभी मुश्किल आ जाएगी, वैसे यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है। देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे दिखेगा कि x की वैल्यू 1 बाई 2 रखेंगे तभी ये 2b बनेगा, है ना? Yes, sir. है ना? अब फिर आप देखेंगे वेरीफाई करके कि आगे वाला हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो x की वैल्यू जब 1 बाई 2 का स्क्वायर कर दिए तो 1 बाई 4 हो गया, तो 4a into 1 by 4 किया तो हमारे पास a आ गया, तो हमारा काम सही हो रहा है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो a plus 2b plus 4c ये हो गया, that is equals to, तो इससे क्या अनुमान, फिर हम क्या बोल सकते हैं, इससे वही चीज बता देंगे x equal to 1 by 2 is a रूट। चलो एग्जाम्पल नेक्स्ट, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस टू सी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना? और ए प्लस थ्री बी प्लस 18c that is equals to 0, ठीक है? बताओ इसका एक रूट क्या होगा, क्या अंदाजा लगा के बता सकती है? पहले क्या करने को बोला था मैंने सर? डिवाइड करने के लिए। हाँ डिवाइड करना ना, और इक्वेशन का जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना उसमें सी चेंज मत करना, जो रिलेशन दिया है बस उसी में सी चेंज करना। क्लियर? यस सर। हो दोनों से जाएगा लेकिन इस दूसरे वाले में चेंज करना ज्यादा सही रहेगा। सर बता दीजिए, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। तुम बोलो ना आंसर, तो बोलो कुछ तो बोलो। आंसर हमको थ्री लग रहा है, थोड़ा सा गलत लग रहा है। थोड़ा तुम सही सोच रहे हो, बस थोड़ा सा सही सोचो, थोड़ा सा गलती हुआ। वन बाय थ्री है, वन बाय थ्री, वन बाय थ्री हुआ ना, सही है। चलो क्या करा, नाइन से डिवाइड करेंगे टू सी बनाने के लिए। देखो तो ए बाई नाइन आ गया, अब प्लस बी बाई थ्री आ गया, है ना, प्लस टू सी आ गया। अब देखो टू सी बराबर हो गया, अब देखो बी में जो मल्टीप्लाइड है वही एक्स होगा ना? Yes, sir. है ना? अब माइनस वाला होगा तो माइनस आ जाएगा, प्लस वाला होगा तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाता आंसर तुम्हारा, वो
होता कैसे ये चीज? तो अगर माइनस वन बाई थ्री का स्क्वायर कर दिया तो वन बाई नाइन. अब मान लो यहाँ पे स्क्वायर ना नाइन क्या हो गया, एट रहा हो जाता, लेट से एट हो जाता, फिर तुम कुछ नहीं कह पाते, ठीक है ना? फिर हम लोग कुछ इस तरह से हम लोग जवाब दे ही नहीं पाते, ठीक है? तो यहाँ पे एक नंबर आया b के साथ मल्टीप्लाइड होके एक नंबर आया, और उसी का स्क्वायर वाला नंबर a में मल्टीप्लाइड था, तो हम समझ लिए कि वो क्या हो गया, एक उसका एक रूट हो गया, ठीक है? तो मैं थोड़ा साफ सफाई कर दूं यहाँ. हाँ, ये कितना हो गया b बाई थ्री, है ना? और ये कितना हो जाएगा a बाई नाइन. तो देखो बात यहाँ पे है, एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ मैं. वन बाई नाइन ए लिखा प्लस वन बाई थ्री बी लिखा प्लस टू सी लिखा. देखो करना तुमको क्या है कि इस टू सी और इस टू सी को बराबर करना पहले, सही है? Yes, sir. तो बराबर हो गया, फिर क्या करना है, जो b को छोड़ दिया, यहाँ पे भी b हटा दिया और यहाँ पे भी b हटाया, और ये जो हुआ वैल्यू वही x की वैल्यू हो जाएगी. समझी बात? Yes, sir, समझ में आ गया. कब? जब ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर हो तो. स्क्वायर नहीं होगा तो नहीं होगा, तब तो x कहाँ हुआ ना. यहाँ देखो, यहाँ x जो रखोगी उसका स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना a में. Yes, sir. b में जो नंबर मल्टीप्लाई करोगे उसका a में स्क्वायर उसका मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर ऐसा नहीं होता, जैसे वही तो बता रहा था कि 9 के जगह पे मान लो यहाँ पे 8 आ जाता, फिर तब तो x equal to 1 by 3 रूट नहीं होता ना. Yes, sir, तब नहीं होता ना, ठीक है, बस वही बताने की कोशिश कर रहा था. तो हम लोग फर्स्ट क्लास में तो पहले डाउट डिस्कशन हुआ था, उसके बाद इतना हुआ था, ठीक है? अब बताओ तुम्हारा नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्लास में क्या दिक्कत आई थी तुमको? सर लास्ट क्लास में तो मेरा कोई मतलब पूरा क्लास हो ही नहीं पाया था, बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जा रहा था और स्क्रीन भी कभी नहीं दिखा रहा था और आवाज भी नहीं आ रहा था. अच्छा, क्या किस पूरा पोर्शन में हुआ था दिक्कत या किसी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में था? अच्छा ये बता दोगे क्या तुम मुझे कि क्या क्या पढ़ी हो बस तुम ठीक से, कितना कहाँ से लेके कहाँ तक क्या पढ़ी हो? सर कल का क्लास में. हाँ सर कल का क्लास में स्टार्टिंग में आप शायद बता रहे थे थ्री मतलब कोई नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पॉलीनोमियल इज इक्वल टू डिग्री, वही उतना ही मतलब अच्छे से लिखे थे. अच्छा तो मतलब पढ़ा. अच्छा ठीक है, तो उसका भी हम नहीं होता कल तुमको दे देंगे बैकअप, ठीक है? हाँ सर वो दे दीजिएगा, हमको पूरा ही नहीं पढ़ा है हम बोला. अच्छा एक बार, हाँ ठीक है मैं तुमको बैकअप दे दूंगा, एक बार तुम वीडियो देखने की कोशिश करना तो थोड़ा बहुत, ठीक है? और अगर उसमें भी हो सके कुछ चीज ना समझ में आए वो कल मैं तुमको बैकअप दे दूंगा, एक बार उस वीडियो उस क्लास का देखने की कोशिश करो, ठीक है? ठीक है सर. तो कल फिर 1:30 बजे, ठीक है? 1:30 ना. एक मिनट एक मिनट. अच्छा मैं बता दूंगा क्योंकि सिस्टम फ्री है कि नहीं है मुझे नहीं पता, ठीक है? तो मैं वो करके बता दूंगा तुमको, ठीक ठीक है सर. चलो.